पिछले तो क्वेश्चन पेपर में हमने एक से लेकर चालीस तक क्वेश्चन जाने थे हर पेपर में बीस बीस क्वेश्चन थे इस क्वेश्चन पेपर में भी बीस ही क्वेश्चन होंगे अपने तो चलिए शुरू करते हैं द पाइप रिसीविंग डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लोजेट यूरिनल एक्सेट्रा आर कॉल्ड जल कोठरी मूत्रालय आदि से निरस प्राप्त करने वाले पाइप को क्या कहा जाता है ऑप्शन है आपका वेस्ट पाइप सॉइल पाइप रेन वाटर पाइप या फिर वेंटिलेशन पाइप तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सॉइल पाइप अगला क्वेश्चन है टू प्रिवेंट क्रोजन सीआई पाइप आर कोटेड विद जंग को रोकने के लिए सीआई पाइप पर किसका लेप लगाया जाता है ऑप्शन है आपका जिंक क्रोमियम टिन या बिटुमिनस पेंट तो इसका जो सही आंसर है ये आपका बिटुमिनस पेंट है अगला क्वेश्चन वाइल ग्राइंडिंग मेटल पार्टिकल आर गेट क्लोज इन टू द ग्राइंडिंग व्हील्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पीसते समय धातु के कण पीसने वाले पहिए में फंस जाते हैं इस प्रक्रिया को कहा जाता है ऑप्शन है आपके लोडिंग ग्लेजिंग ड्रेसिंग या ट्रुइंग तो इसका जो सही आंसर होगा हो ये होगा आपका लोडिंग अगला क्वेश्चन द ट्रैप्स आर यूज टू प्रिवेंट द पैसेज ऑफ जाल का उपयोग किसके मार्ग को रोकने के लिए किया जाता है ऑप्शन आपका एयर वेस्ट वाटर ऑक्सीजन या सीवरेज तो इसका सही आंसर है सीवरेज सीवरेज में जो भी कचरा होता है वो रुक जाता है आके ठीक है जाल लगाने से अगला क्वेश्चन है एक्सेस ऑफ इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ डेन इज प्रोवाइडेड बाय निरीक्षण परीक्षण और नाली की सफाई की सुविधा किसके द्वारा प्रदान की जाती है ऑप्शन है ट्रैप सिस्टम इंस्पेक्शन चैम्बर और ग्रेटिंग्स तो इसका सही आंसर है इंस्पेक्शन चैम्बर अगला क्वेश्चन है डैश हेल्प्स इन पाइपलाइन टू ब्रांच ऑफ एट 90 डिग्री डैश पाइपलाइन को 90 डिग्री पर शाखा करने में मदद करता है कौन करता है ऑप्शन है आपके टीबो कपलिंग एल्बो या ओनियन तो इसका आंसर है टीबो अगला क्वेश्चन है अपना द लेंथ ऑफ स्टोनवेयर पाइप इज स्टोनवेयर पाइप की लंबाई कितनी होती है ऑप्शन है तीन सौ एम एम चार सौ एम एम पाँच सौ एम एम या फिर छः सौ एम तो इसका सही आंसर है छः सौ एम एम अगला क्वेश्चन हाउ मनी ग्रेड ऑफ जी आई पाइप आर एवलेबल जी आई पाइप के कितने ग्रेड उपलब्ध है ऑप्शन है दो तीन चार या पाँच इसका सही आंसर होगा तीन अगला क्वेश्चन द एग्रीगेट विच कैन नॉट पास आई एस सीव नंबर फोर एटी हैज जो समुचे आई एस ए सीव नंबर चार सौ अस्सी को पार नहीं कर सकते उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है ऑप्शन आपका कोर्स एग्रीगेट मीडियम एग्रीगेट फाइन एग्रीगेट नन ऑफ दीज तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कोर्स एग्रीगेट अगला क्वेश्चन डैश इज यूज फॉर प्लास्टरिंग ब्रिक्स लेइंग एंड फिनिशिंग कंक्रीट फ्लोर्स प्लास्टर ईंट बिछाने और कंक्रीट फर्श को फिनिशिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है ऑप्शन है स्पैड प्लम बॉब स्प्रिट लेवल या ट्रॉवल तो इसका जो सही आंसर है वह ट्रॉवल है एक बार देख लेते हैं ट्रॉवल किसको बोलते हैं ये है ट्रॉवल सेट ठीक है इसका इस्तेमाल किया जाता है अगला क्वेश्चन है हमारा विच सो इज यूज फॉर कटिंग शार्प कॉर्नर नुकीले कोनों को काटने के लिए किस आदि का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है आपका कॉपिंग शो कंपास सो फ्रेड सो या फिर पैड सो तो इसका जो सही आंसर है ये आपका कॉपिंग शो एक बार देख लेते हैं कॉपिंग शो होता क्या है ये देखिए ये होता है कॉपिंग शो ये बहुत पतली ब्लेड होती है इसके अंदर बहुत नाक है बराबर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ब्रास इज एन एलोए ऑफ पीतल किस की, की मिश्र धातु है कॉपर एंड टिन कॉपर एंड जिंक कॉपर एंड लेड कॉपर एंड एलमोनियम तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कॉपर एंड जिंक अगला क्वेश्चन है विस टैप इज यूज टू फिनिश द थ्रेड ऑफ ब्लाइंड होल्स ऑफ करेक्ट डेप्थ सही गहराई ब्लाइंड होल के धागों को खत्म करने के लिए किस नल का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है टैपर टैप इंटरमीडिएट टैप बॉटमिंग टैप या फर्स्ट टैप तो ये होता है बॉटमिंग टैप तो एक बार देख लेते हैं बॉटमिक टैप किसको बोलते हैं ठीक है ये देखिए इसके अंदर तीनों प्रकार के टैप दिखा रहे हैं कि टैपर टैप, टैप प्लग टैप और बॉटमिक टैप ये है बॉटमिक टैप ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फंक्शन ऑफ फ्लक्स फ्लक्स का कार्य क्या है टू प्रिवेंट क्रोजन टू हेल्प मोल्टन शोल्डर टू फ्लो ईजली इन द रिक्वायर्ड प्लेस प्रमोट बेटर ज्वाइंट ऑल ऑफ एबोव तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ एबोव ठीक है फ्लक्स क्या होता है एक बार ये भी देख लेते हैं ठीक है ये देखिए ये है फ्लक्स ठीक है इसके अंदर सोल्डरिंग वायर डालते हैं और फिर सोल्डरिंग करते हैं आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी जगह इसको फ्लक्स बोलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे विस टोंग आर यूज फॉर होल्डिंग बार्स वर्टिकली सलाखों को लंबवत पकड़ने के लिए किस चिमटे का उपयोग किया जाता है ऑप्शन आपका राउंड टोंग स्क्वायर माउंट टोंग हॉलो टोंग या फिर फ्लैट टोंग तो इसका जो सही आंसर है ये आपका राउंड टोंग एक बार देख लेते हैं राउंड टोंग होता कैसा है ये देखिए ये होता है राउंड टोंग ठीक है इसको पकड़ते हैं सलाखों को ये खोलते हैं यहाँ से मुंह इसका ओपन हो जाता है फिर पकड़ लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओर ऑफ अल्मोनियम इज अल्मोनियम का एस क्या है ऑप्शन है कार्बोनेट बॉक्साइट लिमोनाइट या मैगने ठीक है तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा बॉक्साइट अगला क्वेश्चन है चेक वॉल्व इज ऑल्सो कॉल्ड चेक वॉल को भी कहा जाता है क्या कहा जाता है गेट वॉल्व मड वॉल्व नॉन रिटर्न वॉल्व या फिर नीडल वॉल तो इसका ऑप्शन है नॉन रिटर्न वॉल्स ठीक है जी सही आंसर ये है चेक वॉल को नॉन डिटल वॉल भी कहा जाता है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विस थ्रेडेड पैटर्न इज यूज इन स्टैंडर्ड पाइप फिटिंग्स मानक पाइप फिटिंग में किस थ्रेडेड पैटर्न का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है आपका बी एस पी बी एस डब्ल्यू बी एफ एस या फिर बी ए तो इसका जो सही आंसर है वो है बी एस पी बी एस पी जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप एक बार देख लेते हैं ये थ्रेड कैसी होती है ये देखिए ये है बी एस पी ये देखिए ऊपर से हल्का सा ना राउंड है इसमें ठीक है ना तो ये बी एस पी थ्रेड्स है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं पिलर टैप शुड विद स्टैंड एन इंटरनली अप्लाइड हाइड्रोलिक प्रेशर ऑफ पिलर टैप को आंतरिक रूप से लागू हाइड्रोलिक दबाव का सामना करना चाहिए ऑप्शन है 20 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर 25 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर 30 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर या 35 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर तो इसका सही आंसर होगा 20 किलोग्राम पर स्क्वायर सेंटीमीटर अगला और आखिरी क्वेश्चन है अपना वाट पाइप्स आर मोस्टली यूज इन वाटर सप्लाई स्कीम जल आपूर्ति योजना में अधिकतर कौन सा पाइप का उपयोग किया जाता है ऑप्शन है स्टील पाइप लेड पाइप कास्ट आयरन पाइप या फिर कंपोजिट पाइप तो इसका जो सही आंसर है वो कास्ट आयरन पाइप इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अभी इसमें जितने भी क्वेश्चन पेपर इस चैनल के माध्यम से डलते हैं वो सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड होते हैं तो ये भी कॉम्पिटिव एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है अभी इसके मैं बीस क्वेश्चन लेके आया हूँ बीस बीस करके आगे और भी क्वेश्चन लाऊंगा तो अलर्ट के लिए बेलाइकन भी दबाएँ जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूँ तो आपके पास अलर्ट पहुँच जाए और इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ नमस्कार फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ धन्यवाद